ऑल ऑफ यू, कैसे हो बेटा आप सब लोग। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि आप लोगों के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। आई होप कि सब लोगों को कल अपडेट मिल गई होंगी। बाकी बहुत सारे बच्चों को ग्रुप में भी बता दिया था, टेलीग्राम वाले में। तो अगर आप वहाँ पर नहीं हैं तो आप वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट मुझसे बात भी कर सकते हैं जब आपको कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है ये, और यहाँ पर आप लोग देखिए कि सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी वालों के जो सितंबर में पेपर होने हैं उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, और ओपन वालों के, HOS मतलब ओपन होता है, ओपन वालों के भी आ चुके हैं। तो अगर हम इसको ओपन करके देखें तो इसके अंदर का जो है क्या बोला जा रहा है क्या नहीं है, तो देखिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, बोर्ड ऑफ एजुकेशन हरियाणा, उसके बाद में इंस्ट्रक्शंस हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर कंपार्टमेंट एडिशनल इम्प्रूवमेंट, मतलब कि जो भी आपने एग्ज़ाम देना है अभी, ठीक है, एडिशनल वाला, इम्प्रूवमेंट वाला, कंपार्टमेंट वाला जो भी, तो उसके आगे रोल नंबर आ गए हैं, एंटर योर रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको रोल नंबर रजिस्ट्रेशन वगैरह एंटर करना है, और मतलब प्रीवियस रोल नंबर यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद प्लीज़ एंटर कैंडिडेट नेम विथ फादर नेम एंड मदर नेम, तो इस तरीके से यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, एंड देन आपको सर्च पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एप्लीकेशन, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको ये देखिए, यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये दिख रहे हैं आपको। इम्प्रूवमेंट भी है, एडिशनल भी है, कंपार्टमेंट भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ऑप्शन हैं सारे। आपको कौन से वाले पर क्लिक करना है वो आप देख सकते हैं, जिसके भी तहत आप पेपर दे रहे हैं, ठीक है बेटा। ये सारे के सारे आपको दिख रही हैं, ये सारे की सारी चीज़ें भर के यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका रोल नंबर जो है वो सामने आ जाएगा। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने आई थिंक जगवीर सिंह जी की वीडियो देख भी ली होगी जो साइट पर आई हुई है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि आपको क्या करना है। नॉर्मली आपको जो एडमिट कार्ड आपको जो मिलेगा, एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी गलती ना हो। अगर कोई उसमें मिस्टेक है, जैसे मान लो कि फादर नेम गलत आ रहा है, मदर नेम गलत आ रहा है, आपका नाम गलत है, आपकी फ़ोटो गलत है, तो आपको इन थ्री डेज़ जो है फटाफट से बोर्ड जाना है और वहाँ से आपको ठीक करवाना पड़ेगा अगर प्रॉब्लम आती है तो, क्योंकि फिर पेपर में आपको अलाउड नहीं करा जाएगा। उसके अलावा में आपको प्रिंसिपल से अपना रोल नंबर जो है वो सेल्फ मतलब अटेस्टेड भी करवाना है, ठीक है। अटेस्टेड का मतलब होता है सिंपल सिग्नेचर करके आपको देंगे प्रिंसिपल। अब कई बच्चे जो ओपन वाले हैं वो भी सोचेंगे कि करना है कि नहीं, तो बेटा देखो आप लोगों ने अगर पिछली बार करवाया तो आप करवा लीजिएगा, अदरवाइज़ जो रेगुलर वाले हैं उन लोगों को सेल्फ अटेस्टेड मतलब प्रिंसिपल से अटेस्टेड करवाना है, सेल्फ नहीं प्रिंसिपल से करवाना है, ठीक है। क्योंकि जगवीर सिंह जी की जो वीडियो है उन्होंने भी साफ साफ उसमें बोला है कि अगर आप नॉर्मली रेगुलर वाले या वो हैं और अगर आप कंपार्टमेंट का पेपर दे रहे हैं सेप्टेम्बर का, और अगर आप स्कूल से बिलोंग करते हैं तो आपको स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वहाँ से आपको अपना रोल नंबर जो है वो अटेस्टेड करवाना है, वहाँ पर वो साइन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ी सी प्रोसेस रहने वाली है। रोल नंबर्स आ गए हैं फटाफट से, कंपार्टमेंट का आप लोगों का पेपर है सितंबर में, और 29 सितंबर को फर्स्ट एग्ज़ाम है, जैसे कि आप सबको पता है 17 तक पेपर आप लोगों के चलेंगे। तो इस तरीके से सारा शेड्यूल रहने वाला है। कोई भी डाउट हो, कुछ ना समझ आए हो तो कमेंट करिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टा है, फेसबुक है, डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से भी आप उनसे बात कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अपडेट के साथ जल्दी मिलूंगी। बाय बाय।